हेलो वेरी मच, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लेटेस्ट में बताना चाहूँगा कि देखिए, हर पल कुछ ना कुछ सिस्टम से अपडेट आ रहा है बिलोम नेटवर्क से। अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना, बहुत अच्छी गुड न्यूज है, वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अभी जो है लेटेस्ट में डिफिनेक्स एक्सचेंज पर जो है BLB लिस्टिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये भी एक्सचेंज जो है डेली बाई डेली कुछ ना कुछ एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो रहा है, और 100% वादा के मुताबिक ब्लॉक टोकन बहुत कुछ करके दिखाने वाला है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अभी भी और भी अपडेट आ रहा है, और इसलिए मैं कहूंगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में एक नया एक अजूबा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया वादा के मुताबिक काम हो रहा है। इसलिए इस पे समय के अकॉर्डिंग वेट करना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए। अभी और कुछ आना बाकी है। तो चलिए, उमर खान का एक और ट्वीट आया है जो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, दिवाली पे वो भी विश कर रहे हैं, तो हम लोग भी आप लोग को विश कर रहे हैं, क्योंकि दीपावली की जो है आप लोग, हम भी दिल से पूरा जो है शुभकामनाएं कर रहे हैं कि भाई आप लोग का दिन सही जाए। और उनका ट्वीट ये आया है कि भैया जो BLD टोकन है ये अभी बहुत ज्यादा पंपिंग करेगा। उनका कहना है कि मतलब हम हर एक्सचेंज पर ट्राई कर रहे हैं, किसी न किसी एक्सचेंज पर लाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो 100% होके रहेगा और वो चीज देखने को मिलेगा। तो बेटर है कि क्या देखने को मिलेगा वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए एक बात तो 100% उन्होंने सच कहा जो भी बात कहा, क्योंकि बहुत लोग इस बातों को झूठ मानते थे, खराब लगता था कि फेक है, रियल नहीं है, ये हो नहीं सकता, मगर आज जो है करके दिखा दिए उन्होंने। जो है हर दिन किसी ना किसी एक्सचेंज पर देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर लग रहा है कि आने वाला दिन में ये एक नहीं 100% 50 से 100 एक्सचेंज पर देखने को मिल सकता है, जिससे ये क्वाइन हाई रैंक में पंपिंग करेगा, और 100% ये बात सत्य हो सकता है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जब ये बात सत्य होगा तो देखना बाकी ये है कि आखिर कैसे पंपिंग करेगा। एक और अपडेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी ब्लॉम नेटवर्क में बहुत अच्छी अच्छी खबर आ रहा है, और इस दीपावली के अवसर पर भी अच्छा अच्छा ट्वीट भी आ रहा है। एक जोक भी सुन लीजिए, जैसे एक ट्वीट में ये कहा गया है कि BLD टोकन कौन ऐसा शख्स है जो वर्ल्ड में यूज नहीं करता है, तो उसमें जवाब एक नीचे में कॉमेडी में लोग दिए हैं कि BLB वही आदमी शौक मतलब यूज नहीं करता है जो आदमी डेथ कर गया है। इसका और अर्थ समझिएगा तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्रिप्टो मार्केट में जो लोग जागरूक हैं वो BLD को यूज करते हैं, और जो लोग जागरूक नहीं हैं वो उस BLD को यूज नहीं करते हैं। भैया ये दुनिया छोटा नहीं है, क्रिप्टो के मार्केट, स्टॉक के मार्केट, बहुत ऐसे लोग हैं जो इसका नाम भी नहीं जानते होंगे, मगर ये है कि टीम के जरिए टीम बनाना, टीम जनरेट करना, एक दूसरे को शेयर करना, एक दूसरे से मिलना, बताना, आगे टीम को बढ़ाना, ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, और इसके माध्यम से ज्यादा लोग इसके बारे में जानते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि देखिए, इस क्रिप्टो की दुनिया में बहुत ऐसा क्रिप्टो है जो बहुत लोग नाम नहीं जानते हैं, बहुत ऐसा है जो बहुत लोग नाम जानते हैं, और यहाँ पे एक मौका मिलता है आपको कमाने और अर्निंग करने का। और इसलिए मैं कहूंगा कि भैया यहाँ पे सोच समझ के काम कीजिए, जो बोला जा रहा है 100% कीजिए, क्योंकि सुबह में अपडेट आया था तो मैं आपको बताया भी था कि जब ब्लॉक नेटवर्क में जब आप लगे हैं ब्लॉक डैप में, तो यहाँ पे अपना आईडी को पूरा जो है मल्टीमीडिया को फ्लो करना है, मतलब फ्लोअर बनना है, और फ्लोअर नहीं बनते हैं तो 100% आपका टोकन नहीं मिल पाएगा। फिर से दोबारा मैं रिपीट कर दिया ताकि ये बात समझ लीजिए, अगर वो वीडियो आपके पास नहीं गया है तो जानना जरूरी है, वो इसलिए बोला जा रहा है। देखिए भाई, इसका मेन राज की बात मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी जो है अगर क्रिप्टो की दुनिया में आता है आदमी, तो 100% वो मीडिया पे जितने ज्यादा आगे रहेगा ना उतना उसका भी अर्निंग होता है, ये मत समझिए। फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा, टेलीग्राम से अर्निंग होगा, यूट्यूब से अर्निंग होगा, और ऐप भी जो मोनेटाइज होते हैं, जो ऐप चलता है उसमें एडवर्टाइज जाता है, उससे भी अर्निंग होता है। तो लोग तो ऐसा भी चाहते हैं, हम लोग को ना समझ में आता है, मगर समझ लीजिए आज मैं क्लियर बात कर दिया। अब देखिए, अर्निंग के लिए बोला जा रहा है, उमर खान बोलते हैं कि जो मेरा माने ब्लॉक डैप में लगे हैं 100% वो सक्सेस होंगे, अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। देखिए भाई,
अच्छा खासा क्या अर्निंग पकड़ा। पॉजिटिव बात तो बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो बात सुनने में आ रहा है ना कि ज्यादा अर्निंग कर पाइएगा, ज्यादा कमा पाइएगा, मगर यहीं पे एक और दाव पेच का उल्टा नेगेटिव भी बात तो आ जाता है कि जो आदमी मीडिया को मेरा अगर लव डे पे नहीं सपोर्ट करता है उसका अर्निंग नहीं दिया जाएगा। तो अधिक लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे, भैया तो आप कहाँ क्यों चिल्ला रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। एक जगह कह रहे हैं कि अच्छा खासा अर्निंग कर पाइएगा, सक्सेस हो पाइएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर पाइएगा, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा ये पंप करेगा, और दूसरी तरफ वही धमकी दिया जा रहा है कि अगर इसमें लगे हैं तो मीडिया को अगर फॉलोअर मेरा नहीं बनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते हैं, उसका सब्सक्राइबर नहीं है, आप जो है डेली का त्रिवा चैलेंज पूरा नहीं करते हैं, डेली का मतलब ये सारा काम नहीं करते हैं, तो आपको उतना टोकन नहीं दिया जाएगा। तो एक तरफ ऊंचाई पे ले जाना, दूसरी तरफ खाई में ढकेलना, ये कौन बात हुआ भाई। यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बोला गया था कि जो लोग भी टाइप करते हैं पर आवर बढ़ेगा, मिलेगा भाई, मैं ये तो ना जानता हूं, इनको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग छोड़ भाग जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए 100% ये जेन्युइन समझिए कि जो लोग पर आवर घंटा बढ़ा रहे हैं उससे भी मिलेगा, और जो त्रिवा चैलेंज पूरा कर रहे हैं उससे भी मिलेगा, हर तरफ मिलेगा। अगर इनको टोकन, अपना टोकन को हाई रैंक में ले जाना चाहेंगे तो सबको टोकन देना पड़ेगा, तभी जाके उन लोग गैस फीस कर देंगे, तो BFIC का भी जो है पंपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, BLV जितने ज्यादा एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगा उतने ज्यादा लोग बाय करेंगे, तो जितने ज्यादा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आइएगा उतने ज्यादा आपका पंप करेगा, और ज्यादा से ज्यादा कम एक्सचेंज पे आइएगा तो दिक्कत होगा। मगर ज्यादातर हम लोग का इंतजार ये है भैया बाइनेंस पर लेके आइए, क्योंकि बाइनेंस सेफ एंड सिक्योर और वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, उसके बाद बिटगेट पे आइए। तो अब जो है नेक्स्ट जानते हैं कहाँ पे आने वाला है, ये बहुत अच्छी खबर है कि नेक्स्ट जो है बायबिट पे आने वाला है, अब जो है बायबिट पे लिस्टिंग होने वाला है, ये भी अपडेट सुन लीजिए, क्योंकि अभी जो है जस्ट मैं बताया था, तो बायबिट पे आने का अब नेक्स्ट उसका जो है आएगा। इसके बाद जो है जैसे जैसे रोड मैप बताया गया है उसी रोड मैप के हिसाब से काम किया जा रहा है, उसका जो है फंडिंग अपलोड होगा, ट्रेडिंग चालू होगा, सब कुछ होगा। तो आपको जो है अपडेट चाहिए तो जरूर लाइक शेयर सपोर्ट कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए तो आपको मिलता रहे, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है मेरे भाई। सबसे ज्यादा बात है कि इस पे ज्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग भी ज्यादा इसको खोजबीन करेंगे, अच्छा अच्छा न्यूज लेकर आएंगे, और बेटर है कि इसमें बने रहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, अच्छा कुछ होने वाला है। कुछ ऐसे निगेटिव बात आ जाती है जिससे आदमी मन थोड़ा हो जाता है, मगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सबको कुछ ना कुछ मिलना तय है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई बात ट्विटर में मैं नहीं देखा जो ये बात सुनने में आ रहा है। हाँ एक तनी बात है जो लाइव आके बोले थे कि भाई जितने ज्यादा हमारा फ्लोर रहेगा उतने ज्यादा एक्सचेंज पर लिस्टेड करने में आसान होगा, ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा, यही मैं बात बताया। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना, पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करना।